सबसे ज्यादा सोना। सोने पर आई रिपोर्ट। 10 देशों की लिस्ट जारी। भारत भी इस लिस्ट में शुमार। भारतीयों को सोना काफी ज्यादा पसंद है, तभी तो शादी समारोह या सजावट के तौर पर यहाँ सोने का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में सोने का उपयोग इतना नहीं होता जितना भारत में होता है, और इन्हीं बातों को देखकर ये लगता है कि भारत में सोना बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही भारत में सोने का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन दुनिया में सोना रखने वाले देशों में भारत का स्थान काफी पीछे है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अगस्त 2020 तक उन देशों की टॉप 10 लिस्ट जारी की है जिनके पास हजारों टन सोना है। इस सूची में अमेरिका, इटली, जर्मनी जैसे विकसित और शक्तिशाली देशों के साथ साथ भारत का नाम भी शामिल है। ये आंकड़ा दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास मौजूद सोने के भंडार के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोना रखने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका के पास 8,133.5 टन सोना है। ये उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 70.9% है। जर्मनी दूसरे स्थान, इटली विश्व में तीसरा, फ्रांस चौथा, रूस पांचवें स्थान, चीन छठे स्थान, सातवें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जापान गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में 8वें स्थान पर है। भारत का स्थान। एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में भारत के पास 618% सोना है। ये उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 7% है। भारत दुनिया भर में सोना रखने के मामले में 9वें स्थान पर आता है, और इसके बाद आता है नीदरलैंड्स का नाम। गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में ये 10वें स्थान पर आता है। नीदरलैंड के पास कुल स्वर्ण भंडार 612.5 मेट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 71.4% है। भारत के पास कितना सोना। भारत के पास कुल स्वर्ण भंडार 657.7 मेट्रिक टन है। भारत के पास जून में 33.9 बिलियन डॉलर का स्वर्ण भंडार था। इसके अलावा ये साल फरवरी में सोने के भंडार की कुल राशि में धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है। आंकड़े के अनुसार फरवरी में इसमें 6.8 टन सोना, मार्च में 11.2 टन सोना, अप्रैल में 1.2 टन सोना और मई में 2.8 टन सोने की बढ़ोतरी की गई। भारत में कौन कर सकता है सोना आयात। सोना एक बहुत ही महंगी धातु है जिसका मूल्य भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे आयात करने के बड़े सख्त नियम है। देश में शीर्ष एजेंसियों द्वारा इसकी निगरानी एवं नियंत्रण किया जाता है। इन एजेंसियों को इसी काम के लिए अधिकृत किया जाता है। इन एजेंसियों में शामिल है भारतीय रिजर्व बैंक, DGFT और वित्त मंत्रालय। भारत में सोना खरीदने पर इनका पूरी तरह से नियंत्रण होता है। बैंक और ट्रेडिंग हाउस जैसी कुछ एजेंसियां हैं जो सोना आयात कर सकती हैं। आपको बता दें कि केवल खनन से ही सोने की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना मुश्किल है, इसलिए रिसाइक्लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साल 2015 में तकरीबन 180 टन सोना रिसाइकल और रीयूज किया गया। साल 1990 में भारतीय ज्वेलरी निर्माण की जरूरतों का तकरीबन 15% हिस्सा रिसाइकलिंग के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। ज्वेलरी, स्टैंप निर्माण, जीवन की अन्य औद्योगिक जरूरतों संबंधी उत्पादकों के लिए ये एक बड़ा साधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।